जहाँ तक सूचना मिली है कि एबीपी वाले और भाजपा आरएसएस जो है उन्होंने जानबूझकर नहीं होने दिया, इसलिए नहीं होने दिया कहीं ना कहीं उन्हें लगता है किराना के नाम पे उनकी राजनीति चलेगी, अगर राजपूत समाज करेगा तो फिर उनकी राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए जानबूझकर उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होने दिया है। यहाँ पे मैं पूरा मानता हूँ, चाहे मुझे जो सूचना है उसके आधार पे ये जो भी है आरएसएस वाले लोग हैं भाजपा वाले लोग हैं जानबूझकर जो भी परमिशन था उसको रद्द कराया है। कब परमिशन कब रद्द कराई आपकी? आज कल रात के 12 बजे हमें सूचना मिली कि आपका परमिशन रद्द हो चुका है। आज दिनांक 7 मई 2024 को महाराणा प्रताप जयंती समारोह राणा महोत्सव के नाम से दिल्ली म्यूनिसिपल में मनाया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी सूचना है पूरे देश के राजपूतों को कि महाराणा प्रताप के लिए अगर देश में सम्मान नहीं है तो किनके लिए आखिर सम्मान होगा? क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रात के टाइम में जबकि आज कार्यक्रम होना है राणा महोत्सव और उससे एक दिन पहले 12:30 बजे रात को हमारी परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। और एबीवीपी, सबसे बड़ी बात, जो एबीवीपी छात्र संघ है उनके द्वारा कोई एक्शन या समर्थन हमें सपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो आप समझो कितनी बड़ी रणनीति और साजिश के तहत। क्या राणा सिर्फ राजपूतों के हैं? महाराणा प्रताप के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आयोजन किया जा रहा था उसको कैंसिल करना एक बहुत बड़ी साजिश देख सकते हो और बड़ी विडम्बना है। चूक के साथ ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी है, हमें रोका गया है कि आप अंदर ना जाए, तो ये से पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए कि जो महाराणा प्रताप का सम्मान नहीं है, जो हिंदू सूरज भारत के अप्रतिम योद्धा, तो फिर भारत बाकी समाज के लिए क्या होगा? तो सभी भाइयों से विनती है इस मैसेज को फैलाएं और ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसकी आवाज चुनाव में तो मिलेगी, इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हर गांव और हर कस्बे तक देश के कोने कोने में जाएगी कि जो